हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तुलसी जी लगानी है भाई हमको, तो मिट्टी ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं तुलसी जी लगाने के लिए यहाँ से जो है मिट्टी लेने के लिए आई हूँ। ये जब मिस्टी ट्यूशन जाती थी ना पढ़ने, तो उसी गली में, उस साइड का रोड नहीं बना हुआ है तो सामने के साइड में ना काफ़ी सारी मिट्टियाँ, पहले जब फ्लैट्स वगैरह बने थे साइड में, तो बहुत सारी मिट्टी यहाँ पर डाली गई थी। तो काफ़ी अच्छी मिट्टी यहाँ पर है, पर अब क्या सब लोगों ने ले ली है और अब बारिश के कारण थोड़ी मिट्टी ख़राब भी हो गई है। पर यहाँ इस जगह मुझे साफ़ मिट्टी लगी। और मेरा ये है कि मैं नए पॉट में ही तुलसी जी अभी लगाऊंगी, क्योंकि के जो मेरे गमले हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो ये है कि मैं नया ही गमला जो है लगाऊंगी, तो उसमें मैं पौधा भी नया, गमला भी नया और मिट्टी भी नई, इस हिसाब से मैं मिट्टी भी जो है लेने के लिए आ गई हूँ। और मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा वज़न होता है। और ये देखिए मेरा नया गमला जो मैं लेकर के आ गई थी, और पौधा भी मैंने जो भैया बेचने आते हैं पेड़ पौधे वाले, उनसे मैंने ले लिया था। और जब मैंने ये मिट्टी उठाई ना, तो सच में मेरे कम से भी कम 2 दिन तो कमर में दर्द रहा है। तो आप भूलकर भी अगर आपको वज़न का थोड़ा ध्यान रखें और इस तरह से एकदम वज़न ना उठाएं, क्योंकि मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा वज़न हो जाता है। और तो मैं इसको थोड़ी सी दूरी अगर लेके आई ना, तो उतने में ना मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। तो भाई वज़न थोड़ा ध्यान से उठाएं। तो देखिए मेरा ये तुलसी जी का पौधा बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और तुलसी जी क्या सूख गई थी गर्मी में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं तुलसी जी घर में लगाना। और अभी फटाफट से आ गई हूँ किचन में। आज कुछ स्पेशल बनाएंगे खाने में। दाल बाटी हमेशा बनाती हूँ, आज दाल बाफले बनाऊँगी। तो आटा ले लिया है, इसमें थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा बेसन भी मैंने ऐड करा है, और नमक मैंने अभी इसमें डाल लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी अभी अजवाइन। तो अजवाइन तो मैं हमेशा ही डालती हूँ, बाटी में भी डालती हूँ, और इसमें भी मैं अजवाइन ज़रूर डालूँगी। आप चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, सौंफ भी डाल सकते हैं, पर मुझे क्या ज़ीरा और सौंफ पसंद नहीं है। और ये है साबुत खड़ा धनिया, तो इसको थोड़ा सा क्रश करके डाल लें। और इसके बाद हमें डालना है खाने का सोडा। तो ये चुटकी के हिसाब से हम 2 चुटकी समथिंग इसमें खाने का सोडा जो है डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही आपको ज़रूर से डालना है, अगर आपको अपने बाफले अच्छे बनाने हैं तो दही का यूज़ ज़रूर करें। मैंने कम से भी कम 3 से 4 चम्मच दही का इसमें यूज़ करा है। और दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा फ्रेश दही का ही यूज़ करें। और इसमें मौन के लिए मैंने डाला है तेल। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से डाल लेना है और फिर कर लेना है इसे अच्छे से मिक्स। और अच्छे से हमें इसका आटा गूंध लेना है, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। तो जो बीच का मीडियम साइज़ का जो आटा होता है ना, वो हमें लगाना है। तो आटा लगाते समय हमें कुछ चीज़ों का जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बाटी का आटा हम थोड़ा सा सख्त लगा सकते हैं, लेकिन बाफले का आटा हमें ना ज़्यादा सख्त लगाना है, ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। तो बीच का जो है आटा होता है ना, वो हमें लगा करके रखना है। और थोड़ी सी देर हमें इसे रखे रहने देना है, ताकि कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं इडली के ओवन में जो है बाफले बनाने वाली हूँ। तो देखिए ये मैंने सांचे ले लिए हैं, इसमें डाला है तेल, और इसे मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी सभी को। और इसमें अब हम बना करके डालेंगे अपने बाफले। तो बाटी का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, बाफले का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। आप चाहें तो इससे भी बड़ा जो है बाफला बना सकते हैं। हम हमेशा बाफले ना उबाल करके बनाते हैं, बहुत झंझट होती है यार, पहले उबालो फिर उनको सेको। सबसे अच्छी ट्रिक है इस तरह से, अगर आप स्टीम करके बाफले बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये कुक हो जाते हैं अंदर तक, और बहुत ही बढ़िया बाफले जो है बन करके तैयार होते हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बाफले आपको घर पर मिल जाएंगे इंस्टेंटली। तो इस तरह से पकने दिया है मैंने, और देखिए अच्छे से कुक हो गया है ये। कम से भी कम 10 से 15 मिनट तो मैंने इसे पकाया है। और इसे चाकू की सहायता से आप चेक कर ले कि ये अच्छे से पके हैं या नहीं। देखिए अंदर से बिल्कुल नहीं चिपक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे बाफले जो है बिल्कुल बन करके तैयार हो गए। अब बस अब हम इसे निकाल लेंगे, और अब हमें इन्हें सेकना है अपने बाटी वाले ओवन में।
तो बाफले तो खैर सेकने होते ही हैं, उबालने से ही काम नहीं चलता है। वैसे ना आप बाफले ओ आप तल के डीप फ्राई करके भी आप बना सकते हो कि जैसे उबाल लियो फिर उनको डीप फ्राई कर लो, पर वो क्या थोड़े से हैवी लगने लग जाते हैं, घबराहट होती है उनको खाते हैं तो मेरे को हो जाती है, इसलिए ऐसे सेक ले तो ज़्यादा सही है। और देखिए मैं धीमी धीमी आँच पर ना बढ़िया कुरकुरे कुरकुरे जो है अपने बाफले बिल्कुल अच्छे से सेक लूँगी। दोनों तरफ से हमें अलट पलट करके ना जो है बाफलों को अच्छे से सेक लेना है, सिकाई में बिल्कुल भी जो है कमी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल बाफला बिल्कुल अच्छे से सिक जाना चाहिए। और अब हम इसमें लगाएंगे घी, इस तरह से बीच में से तोड़ें और अच्छे से घी लगाएं। भाई जितना आप अच्छे से घी डालेंगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, बारिश आ गई थी, मैं मंदिर गई जैसे ही बारिश आ गई तो मुझे फटाफट से जो है साड़ी भी चेंज करनी पड़ी, इतनी ज़्यादा मैं गीली हो गई। और तो देखिए यहाँ पर मेरे बाफले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं अपनी प्लेट लगा लेती हूँ, प्लेट लगा ली है तो उसमें है दाल और बाफले हैं, मिर्ची है, नींबू है और सैलेट में है खीरा। तो आज का जो डिनर है ये बिल्कुल स्पेशल बन करके तैयार है, दाल बाफले। और अभी खाना खा करके मिल रही हूँ आपसे। और अभी आजकल मेरे वीडियोस काफ़ी लेट हो गए हैं आने में, तो ये पहले का ही वीडियो जिसे एडिट करके डाल रही हूँ अभी। तो ये भृगु का सिलेबस मंगाया है, मतलब आ गया है, बहुत लेट हो गया उसका सिलेबस आने में थोड़ा। तो ये उसकी बुक्स हैं, ये तो उसकी कॉपीज़ हैं और ये उसकी बुक्स है, तो उसका नया बैग जो है मैं अच्छे से तैयार कर दूँगी। तो चलिए इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।